बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में जेल जाने के चलते लगातार सुर्खियों में हैं। अब इसी बीच शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह भी चर्चा में आ गए हैं। आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई के दौरान वह शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी के साथ थे। इससे पहले रवि सिंह को अक्सर शाहरुख खान के साथ स्पॉट किया गया है। जी हाँ, तो बॉलीवुड सेलेब्स अपने प्रोफेशन को लेकर अक्सर बॉडीगार्ड के साथ नजर आते हैं। रवि सिंह सुपरस्टार शाहरुख खान के निजी सहयोगी हैं, जो ये निश्चित और सुनिश्चित करते हैं कि शाहरुख खान जब भी बाहर निकले तो वो सुरक्षित रहे। फिल्म प्रमोशन हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या पब्लिक अपीयरेंस हो, रवि सिंह को हमेशा खान फैमिली की सुरक्षा में लगे हुए देखा गया है। शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार की सुरक्षा एक कठिन काम है और रवि सिंह इसके लिए काफी अच्छी कीमत भी लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख खान से रवि सिंह अपनी मेहनताने का सालाना 2.5 करोड़ रुपए लेते हैं। जी हाँ, इस तरह से रवि सिंह बॉलीवुड के सबसे महंगे बॉडीगार्ड में से एक है। साल 2014 में शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह मुश्किलों में पड़ गए थे। दरअसल उन्हें बांद्रा कुलरा पुलिस स्टेशन में पुलिस ने हिरासत में लिया था। जी हाँ, रवि सिंह ने कथित तौर पर एक एक्ट्रेस को एक अवार्ड फंक्शन की भीड़ को संभालते हुए स्टेज के पीछे एंट्री करने से रोक दिया था। उस समय उन्हें शाहरुख खान के साथ जुड़े हुए 6 साल हुआ था। जी हाँ, तो पुलिस ने बाद में रवि सिंह को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। रवि सिंह ने ना सिर्फ शाहरुख खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, बल्कि वो आर्यन खान, सुहाना अब्राम की भी सुरक्षा करते हैं। 30 अक्टूबर को जब आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हुए तो रवि सिंह ही उनको लेने गए थे। वो आर्यन खान की सुरक्षित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आर्यन खान को सुरक्षित तरह से कार तक ले गए और जल्द ही मन्नत के लिए वो रवाना भी हो गए। जी हाँ, तो रवि सिंह काफ़ी भरोसेमंद बॉडीगार्ड हैं। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सर्वे की रिपोर्ट।